सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने के मामले में एसटीएफ की जांच के दायरे में प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग करने वाली प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी आ गई है। एसटीएफ जल्द ही दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो 17 और 18 फरवरी को आयोजित सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विदेश भाग गए थे। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की बीते 17 दिनों से जांच कर रही एसटीएफ उन सभी लोगों को तलाश रही है जिन्हें पेपर बेचा गया था। पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रयागराज निवासी राजीव नयन के बारे में पता चला है कि वह कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में था जो प्रतियोगी पीओ परीक्षाओं का पेपर लीक कराने के बदले उससे लाखों रुपए देते थे। वही दूसरी ओर इस मामले में भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने